12th के बाद क्रिकेट में करियर कैसे बनाएं, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फॉलो द क्रिकेट 24 में। दोस्तों अभी तक आपने फॉलो द क्रिकेट 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम यहां पर क्रिकेट रिलेटेड वीडियो हर रोज लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि 12th के बाद क्रिकेट में करियर कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, 12th के बाद क्रिकेट में करियर कैसे बनाएं, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को आखिरी तक देखिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 12th के बाद क्रिकेट में करियर कैसे बना सकते हैं। बहुत से बच्चे इस समय 12th कंप्लीट कर चुके हैं और उनके मन में एक सवाल आता है कि क्या हम 12th के बाद क्रिकेट में करियर बना सकते हैं। दोस्तों आप 12th के बाद बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, आपके पास टाइम ही टाइम बचता है, तो आपका फोकस केवल अपने गोल पर होना चाहिए कि मुझे क्रिकेटर बनना है। बहुत से बच्चे होते हैं कि 12th के बाद कॉलेज करने लग जाते हैं, तो बहुत से बच्चे जॉब करने लग जाते हैं 12th के बाद, तो बहुत से बच्चे अपना करियर क्रिकेट में चुनते हैं, कहते हैं कि हमको क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं आता है, केवल हम क्रिकेट में ही करियर बनाना चाहते हैं, हमारा जो सपना है वो क्रिकेटर बनना है। तो दोस्तों आप भी क्रिकेट में करियर बनाना की सोच रहे हैं, तो दोस्तों आप 12th आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आज मैं आपका डाउट क्लियर करने वाला हूं कि आप 12th के बाद क्रिकेट में करियर बना सकते हैं। दोस्तों 12th के बाद हम लोग बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, हमारे पास अब 12th के बाद आगे चल के सोचते हैं कि हम क्या चीज में अपनी फील्ड चुने, हम क्या चीज में अपना फ्यूचर बनाएं, हमारा जो पैशन है वो क्रिकेट है, तो क्या अब हम क्रिकेट में करियर बना सकते हैं 12th के बाद। तो दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप अपना करियर क्रिकेट में बनाना चाहते हैं 12th के बाद, तो आप यहां पर करियर क्रिकेट में बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप अपना क्रिकेट में करियर बना सकते हैं 12th के बाद, मगर आपकी जो एज है वो 20 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एज 20 साल से ज्यादा है तो आपको यहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। दोस्तों बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो 12th के बाद अपना क्रिकेट में करियर बनाने की सोच रहे होंगे और उनके मन में एक ही ख्याल आ रहा होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर ली नहीं होगी, दोस्तों आपको अपना समय वेस्ट नहीं करना है। अब आपका 12th हो चुका है, अब आपके पास पढ़ाई का बोझ नहीं है, जो पढ़ाई का बोझ होता है हम दोनों चीज को मैनेज नहीं कर पाते, एक आदमी एक ही चीज कर पाता है। तो दोस्तों आप क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करिए। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करें, हम क्रिकेट एकेडमी जाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा समय भी वेस्ट हो रहा है, तो क्या हम अपना करियर क्रिकेट में बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है क्रिकेट एकेडमी जाने के लिए, तो दोस्तों काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं अब जो आपको स्कॉलरशिप दे देते हैं, जैसे कि गौतम गंभीर फनगेट चलाते हैं, और भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इंडिया में जो क्रिकेटर्स को स्कॉलरशिप देता है। स्कॉलरशिप मतलब यानी कि जितना भी खर्चा होता है आपका क्रिकेट का, सारा ये स्कॉलरशिप वाले उठाते हैं। तो दोस्तों आप इनका ट्रायल दीजिए, टैलेंट हंट आते रहते हैं इंडिया में, तो आपको यहां पर स्कॉलरशिप मिल जाती है और आपको 5 साल के लिए 25 लाख की स्कॉलरशिप फंडगेज दे देता है। तो रजिस्ट्रेशन करिए और यहां पर ट्रायल दीजिए। दोस्तों बहुत से क्रिकेटर्स होते हैं जो ट्रायल देकर स्कॉलरशिप पाते हैं और क्रिकेट में करियर बनाते हैं 12th के बाद, मगर अगर आप 12th के बाद स्कॉलरशिप नहीं पाना चाहते हो तो दोस्तों आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करोगे तो भी आपके पास पैसा आ जाएगा। तो दोस्तों देर किस बात की, आप कहीं भी जाओ और पार्ट टाइम जॉब ढूंढो और वहां पर आप पढ़ाई करो और क्रिकेट भी खेलो, और दोस्तों जो करना चाहो आप करो, आगे क्या आपको फ्यूचर आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि हम क्रिकेट में करियर कैसे बनाएं, हमारे पास एकेडमी जाने के लिए पैसा नहीं है। दोस्तों आपको कोई पैसा देगा नहीं, आपको खुद से कमाना पड़ेगा, या आपको टैलेंट के बेस पर आप स्कॉलरशिप पा सकते हो। अगर आपके अंदर क्रिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा टैलेंट है आपके अंदर, तो आपको वहाँ पर कोई भी स्कॉलरशिप दे देता है। बहुत दोस्तों मैंने काफ़ी सारी वीडियो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस भी बना रखी है कि क्रिकेट में सिलेक्शन कैसे होता है, तो दोस्तों आप उस वीडियो को देखो, समय वेस्ट मत करो दोस्तों, क्रिकेट में करियर बनाओ। आपका केवल एक ही गोल होना चाहिए, अगर आप क्रिकेट में करियर बनाने की सोच रहे हो कि मुझे केवल इंडियन क्रिकेट टीम से खेलना है, अगर आप भी चाहते हो कि मैं भी क्रिकेट इंडियन क्रिकेट टीम से खेलूं, अब मेरा 12th हो चुका है, अब मेरा फोकस केवल क्रिकेट में है, अब मैं केवल क्रिकेट में ही करियर बनाऊंगा, तो दोस्तों आप यहां पर क्रिकेट में करियर बनाओ और दोस्तों मेहनत
आपको ज्यादा करनी होगी। अगर आपकी एज 14 साल है, 16 साल है या आपकी 18 साल 19 साल है तो आप आराम से क्रिकेट में करियर बना सकते हो, मगर आपकी एज अगर 20 साल से ज्यादा है तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो दोस्तों सक्सेस उसी को मिलती है जो बहाने नहीं बनाता है। तो दोस्तों आज मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया कि 12th के बाद भी आप क्रिकेट में करियर बना सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो क्रिकेट में करियर बनाना चाहता है। दोस्तों अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और दोस्तों अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।